उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में कल पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। धामी के साथ उनकी कैबिनेट के सदस्य भी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। बीजेपी ने इस आयोजन को भव्य रूप देने की तैयारी की है, तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उत्तराखंड में कल पुष्कर सिंह धामी नए मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। दून के परेड ग्राउंड में भव्य आयोजन में राज्यपाल गुरमीत सिंह उन्हें और उनकी कैबिनेट के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। बीजेपी ने इस आयोजन को मेगा इवेंट के तौर पर लिया है। इस आयोजन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी निमंत्रण भेजा गया है। उन्होंने इसे स्वीकार किया है और ये उम्मीद की जा रही है कि शपथ समारोह में पीएम और गृह मंत्री दोनों शामिल होंगे। बीजेपी ने राज्य विधानसभा के चुनाव में शानदार सफलता हासिल की है। बीजेपी हाईकमान ने पुष्कर सिंह धामी को ही फिर से सत्ता सौंपने का निर्णय किया है। हालांकि कैप्टन के रूप में पुष्कर सिंह धामी खटीमा से अपना चुनाव हार गए थे, लेकिन टीम वर्क के परिणाम बेहतर होने से एक बार फिर उन पर विश्वास जताया गया है। ये भी माना जा रहा है कि युवा नेतृत्व पर बीजेपी हाईकमान ने ज्यादा विश्वास किया है, इसलिए खटीमा की पराजय को बहुत अहमियत नहीं दी गई है। बीजेपी को चुनाव में सफलता दिलाने का बहुत कुछ श्रेय धामी को देते हुए एक बार फिर उन्हें ही सत्ता सौंपी है। धामी की पिछली सरकार के कैबिनेट के 12 मंत्रियों में 2 मंत्रियों में यशपाल आर्य चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। साथ ही साथ हरक सिंह रावत को पार्टी ने बर्खास्त कर दिया था। इस तरह चुनाव के समय धामी मंत्रिमंडल में 10 सदस्य थे। कल शपथ समारोह में इस बात को लेकर खासा कौतूहल है कि कैबिनेट में कौन कौन नेता जगह पाते हैं। उत्तराखंड में ये पहली बार हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री चुनाव के बाद फिर मुख्यमंत्री पद पर काबिज हो रहा है। उत्तराखंड की सियासत में मतदाताओं ने बारी बारी से कांग्रेस और बीजेपी को जिताया है, लेकिन इस बार भले ही 2017 की तुलना में कुछ सीटें कम रही हो, लेकिन इस बार भी 47 सीटों का अच्छा खासा बहुमत बीजेपी के पास है। इस नाते धामी सरकार को किसी तरह की विधायकों में संख्या बल की दूर दूर तक दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी उनके सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। सबसे पहले तो उन्हें मंत्रिमंडल में एक तरह का संतुलन बनाना होगा। जब बीजेपी के कई बड़े नेता चुनाव जीत कर आए हो और सबके अपने तकाजे भी हो, तो बाहर नेताओं की कैबिनेट टीम बनाने में काफी गहरा मंथन करना होगा। यही नहीं, कुमाऊं गढ़वाल के समीकरण के साथ ये भी देखना होगा कि इस बार 3 महिला विधायक बनी है और तीनों की अपनी अपनी सियासी पृष्ठभूमि है। धामी को युवा नेता के तौर पर सामने लाया जा रहा है। अपेक्षा की जा रही है कि उनके मंत्रिमंडल में कुछ युवा चेहरे नजर आएं। मंत्रिमंडल के लिए बीजेपी में हर जिले में 2 या 3 विधायक अलग अलग कारणों से अपनी पात्रता रखते हैं। ऐसे में बड़ी मशक्कत के साथ धामी को एक संतुलित और बेहतर कैबिनेट उत्तराखंड की जनता के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। बीजेपी ने इस जीत को महत्वपूर्ण मानते हुए इसका श्रेय पीएम मोदी को दिया है। निश्चित रूप से उत्तराखंड में धामी के नेतृत्व में जब बीजेपी अपनी इस इनिंग्स की शुरुआत करेगी, तो उसके सामने कई चुनौतियां हैं। पहाड़ों में युवाओं को रोजगार चाहिए, साथ ही साथ उत्तराखंड के खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम की दरकार है। 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले धामी सरकार के पास महत्वपूर्ण 2 साल है। केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार डबल इंजन के मायने को किस तरह लोगों के सामने रख पाती है, इस पर राज्य सरकार कसौटी पर होगी। कहीं ना कहीं धामी सरकार को इन मोर्चों पर कुशलता से काम करना होगा। साथ ही पर्यटन, कृषि, लघु उद्यम, शिल्प, स्वरोजगार की दिशा में धामी सरकार से लोगों की अपेक्षा रहेगी। पहाड़ों में पलायन का सबसे बड़ा कारण रोजगार न होना, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य का अभाव रहा है। ऐसे समय में जब रिवर्स पलायन की उम्मीद जगने लगी है,
तब राज्य सरकार को ये बताना होगा कि वो गांव कस्बों में लौटने वालों को किस तरह आश्वस्त कर सकती है। निश्चित पलायन तभी रुकेगा जब हर दिशा में तेजी से काम होगा। एक मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी को राज्य बनने से पहले की उस पुरानी व्यवस्था को कारगर बनाना होगा जिसमें राजनेता और लोगों के बीच सीधा जनसंवाद कायम रहता था। सत्ता और आम लोगों के बीच संवाद जितना सहज होगा, लोकतांत्रिक परंपराएं उतनी ही मजबूत होगी। एक युवा नेता के नाते पुष्कर सिंह धामी कई तरह से लोगों का विश्वास कायम रख सकते हैं। निश्चित उनकी सरकार का कामकाज का मूल्यांकन जनता बारीकी से करती रहेगी। निश्चित लोकसभा को लक्ष्य में रखकर कांग्रेस में भी दमदार विपक्ष की छवि के लिए उलबुलाहट रहेगी। ऐसे में काम ही बोलेगा। धामी सरकार के सामने उत्तराखंड को बदलने की चुनौती है। कहीं ना कहीं जनमानस तुलनात्मक रूप से उस यूपी की ओर भी देखता रहेगा जिसका कभी उत्तराखंड हिस्सा था। अलग राज्य के उद्देश्य को पाने के लिए धामी सरकार कहां तक कदम बढ़ाएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और देहरादून में बीजेपी चुनाव प्रभारी दुष्यंत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी ने इतिहास रचा है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कल सुबह 7 बजे सभी बीजेपी के नेता मंदिरों और गुरुद्वारों में पूजा अर्चना करेंगे। योगी आदित्यनाथ समेत 10 राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे और यही नहीं, पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी आएंगे। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी की घोषणा हुई है उसके बाद में आपका लगातार जिज्ञासा बनी हुई है कि शपथ समारोह कहाँ होगा, कब होगा, कौन उपस्थित होंगे, इसको सबको देखते हुए ये प्रेस वार्ता रखी गई है। बंधु, उत्तराखंड के इस इतिहास के अंदर जिस प्रकार से 21 वर्ष के कार्यकाल के अंदर बहुत बड़े बड़े इतिहास रचे गए हैं, सबसे पहले कि विपक्ष को लग रहा था कि कभी एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है, लेकिन उत्तराखंड की जनता ने जिस प्रकार से पुनः भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देकर समर्थन ही दिया, भारी बहुमत से सबसे अधिक सीटों से जीता कर भेजने का कार्य किया है, हम देश की अपने प्रांत की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर लग गई है और अब 23 मार्च को वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं उनके साथ कई कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर और कैबिनेट का विस्तार किस तरह का होगा, इसको लेकर हमारे संवाददाता ने पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी विधायक अरविंद पांडे से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको सुनवाते हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री की कमान एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी के हाथों में है और हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री भी हैं और हो सकता है कि कल एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनके पास हो। बात करते हैं, अरविंद पांडे जी हमारे साथ हैं। सर, पहले तो एक बार फिर से युवा चेहरा सामने आ गया, क्या कहेंगे? मैं अपने संगठन का धन्यवाद दूंगा कि सब एक सूत्र में बंधकर सबने पुष्कर सिंह धामी के नाम की सहमति दी और जो हमारे संगठन की मर्यादा है, जो संगठन का संविधान है, उसके तहत मुख्यमंत्री जी का चुनाव हुआ। मैं अपने छोटे भाई पुष्कर सिंह धामी को मैं शुभकामना दूंगा कि संगठन ने जो उन पर विश्वास किया है और जो प्रदेश की जनता उनसे चाहती है उसको वह पूर्ण करें और इसमें भगवान उनकी मदद करें, मैं ऐसी शुभकामना देता हूँ। सर, 5 साल आप शिक्षा मंत्री रहे, यानी आप शिक्षा को एकदम आप समझ चुके हैं। 5 साल का समय आपका बहुत अच्छा भी रहा, मिला जुला रहा, सब कुछ देखने को जो है मिला, तो क्या आप आगे शिक्षा मंत्रालय आपके पास आ रहा है कि आप चाहते हैं कि वही मंत्रालय आपके पास रहे, ताकि क्योंकि आपके पास कहें तो आपने ग्रेजुएशन पूरी कर ली है उसमें पूरी पूरी। भाई साहब, हम लोगों के यहाँ संगठन हमारा सर्वोपरि है, यहाँ व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि मुझको क्या दायित्व मिलेगा मुझे नहीं पता, और कुछ मिलता भी है तो जो हमारी सरकार हमको सौंपेगी ना, हम उसी में रिजल्ट देंगे। लेकिन मुझको क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, हम इससे अनभिज्ञ हैं। अरविंद पांडे जी, जिन्होंने अपनी बात रखी सामने और नए चेहरों को
सामने लाने की बात भी उन्होंने कही। मेरे सहयोगी प्रदेश की कमान एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी को मिल गई है और अब 23 मार्च को पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और वहीं उनके चयन को लेकर विपक्ष की तरफ से भी उन्हें बधाइयां मिल रही हैं। देखिए राजनीति में पार्टी अलग हो सकती है लेकिन पुष्कर धामी के और मेरे रिश्ते कोई आज से नहीं, लगभग मैं सोचता हूँ कि पिछले जब से मैं पुष्कर धामी राजनीति में आया पिछले 20-25 सालों से उनके मेरे रिश्ते अच्छे हैं। मैं मुख्यमंत्री बनने पर उनको मैंने शुभकामनाएं दी हैं और उनसे उम्मीद की है कि वो प्रदेश को प्रदेश में जो समस्याएं हैं गरीबों की, नौजवानों को रोज़गार की, महंगाई को कम करने की, इन सारी समस्याओं पर वो कोशिश करें और मुझे पूरा भरोसा है कि क्योंकि पिछली बार उनको केवल 6 महीने का समय मिला था और मुझे लगता है कि अब उनको वो बहुत अच्छी तरह से प्रदेश के लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। पहले तो धामी जी को मुख्यमंत्री बनने पे बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं भी हमारी, और हमारा विश्वास है जनहित के मुद्दों पे सदन के अंदर और बाहर विपक्ष का भी साथ देंगे। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे निश्चित रूप से सदन के अंदर उठाएगी और जो जनता से रिलेटेड मामले हैं उनको हल करने के लिए, उनका निराकरण करने के लिए हर हाल में कांग्रेस का हर मेंबर सदन के अंदर संघर्ष करेगा और उन बातों को पूरा करने की कोशिश करेगा। और देखिए पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताते हुए उन्हें फिर से उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाए जाने का फैसला लिया गया है जिससे बीजेपी कार्यकर्ता में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है और इसी के चलते रुद्रपुर में पूर्वोत्तर रेलवे के सदस्य और देवभूमि व्यापार मंडल के अध्यक्ष विकास शर्मा के कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को गुलाल लगाया, साथ ही साथ मिठाइयां भी बांटी गई। इस दौरान विकास शर्मा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाएगा, साथ ही साथ उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाया जाएगा। और 23 मार्च को एक बार फिर उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और कल मुख्यमंत्री पद की शपथ भी होगी और शपथ ग्रहण के दौरान कई विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे और माना यह जा रहा है कि इस बार मंत्रिमंडल में विस्तार देखने को मिलेगा और सीनियर विधायकों के साथ ही नए विधायकों को भी तवज्जो दी जा सकती है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा ने बागेश्वर से विधायक चंदन राम दास से खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। 23 मार्च को एक बार फिर नई सरकार का गठन होगा और नई सरकार में एक बार फिर जो पूर्ण बहुमत की सरकार है भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जो है उन्होंने परचम लहराया है और 47 सीटों पर काबिज होकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जो है यहां की कमान सौंपी है। वहीं शपथ ग्रहण के साथ ही कई विधायक ऐसे भी हैं जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। हमारे साथ चंदन राम दास जी हैं जो कि बागेश्वर से 4 बार के विधायक हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि वो कैसे देखते हैं। सर क्या लगता है जो एक बार फिर से जो है पार्टी हाईकमान ने पुष्कर सिंह धामी को जो है कमान सौंपी है, क्या लगता है? ये पहली बार हुआ है कि सारे मिथक तोड़ते हुए पुष्कर सिंह धामी जी को जन भावनाओं के अनुरूप, कोई क्षेत्रवाद नहीं, कोई जातिवाद नहीं, सारे समीकरणों को देखते हुए पुनः धामी जी को हमारे शीर्ष नेतृत्व ने पुनः कमान सौंपी है। मैं इसके लिए शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो इस बार जो प्रचंड बहुमत में 47 लोग जीते वो गम को सहन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मेरा उनसे सुझाव है वो अपना काम करें, भारतीय जनता पार्टी को जन भावनाओं के अनुरूप जो बहुमत मिला है हमने वो काम पूरा करके दिखाना है, ये कांग्रेस के लोगों को जल्दी पता लग जाएगा। तो ये थे बागेश्वर से 4 बार के विधायक चंदन राम दास, जिनका कहना है कि कल जब शपथ ग्रहण होगा तो उनको भी उम्मीद है कि संगठन जो है इन पर विचार करेगी और इनको जो है वो मंत्री पद देंगे। हालांकि यह देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन सा मंत्रालय इनको मिलता है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी नरेंद्र पिमोली के साथ भूपेंद्र सिंह राणा, नेटवर्क 10, देहरादून।
उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कचहरी देहरादून स्थित शहीद स्थल पर जाकर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शहीद राज्य आंदोलनकारियों को नमन करते हुए कार्यवाहक मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीदों के सपनों के अनुरूप राज्य के विकास के लिए सरकार काम करेगी। इसके बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा के साथ ही घंटाघर स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। और कांग्रेस में हार को लेकर एक लंबा मंथन दो दिनों तक चला और इस मंथन में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और हार की समीक्षा करने पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अविनाश पांडे ने एक एक करके सभी विधानसभाओं के अध्यक्षों से बात की। वहीं बैठक के बाद दोनों ही नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बताया कि हमने एक पूरा रोड मैप बनाकर रखा था लेकिन जनता ने उसे नकार दिया और एक विफल सरकार को फिर से मौका दे दिया है और अब हम 2024 की तैयारी करने जा रहे हैं। इसके लिए हम बूथ लेवल से संगठन को फिर से मजबूत करने जा रहे हैं। उत्तराखंड में जनता के सामने एक बहुत ही सकारात्मक भूमिका लेकर जहां पर अगले 5 सालों के हमारा रोड मैप हमारी योजनाएं जो उत्तराखंड के विकास के लिए और उत्तराखंड को एक देश का गौरव राज्य बनाने का एक जो रोड मैप हमारी कल्पना लेकर हम जनता के बीच गए थे उसके पीछे उद्देश्य ये था कि पिछले 5 सालों की भारतीय जनता पार्टी की असफल सरकार और साथ ही साथ देश में बढ़ रहे बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम, किसानों की समस्याएं, इन सभी मुद्दों पर जो सरकार पूर्ण रूप से विफल थी उस सरकार के सामने हमने कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो के माध्यम से हमारी योजनाओं के माध्यम से एक सकारात्मक भूमिका रखी। उत्तराखंड में कांग्रेस की हार के बाद मंथन जारी है। आज एक बार फिर से कांग्रेस नेताओं ने मीटिंग कर हार पर मंथन किया है और मंथन में एक एक करके सभी बड़े नेताओं से अविनाश पांडे और देवेंद्र यादव ने बात की और ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार किन कारणों से कांग्रेस की हार हुई है। ऐसी कांग्रेस के मंथन को लेकर कांग्रेस विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह से खास बातचीत की गई है, सुनवाते हैं आपको। कांग्रेस में कल सुबह से हार को लेकर मंथन हो रही है कि आखिर किस तरह से जो है हार हो गई, वजह क्या रही और कांग्रेस के जीते हुए विधायक पूर्व नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ रहा। सर, बैठक में क्या कुछ रहा जो लंबी चली, कल से चल रही थी लगातार? नहीं, देखिए 2022 के इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस परास्त हुई है और उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे प्रभारी जी और हमारे जो इंचार्ज यहाँ के बनाए हैं हार की जिम्मेदारी के लिए पांडे जी, वो आए हैं। उन्होंने सब साथियों से जो है 1-to-1 जो है संवाद स्थापित किया कि क्या वजह रही, क्या कारण रहे। सभी साथियों ने अपने अपने विचार जो है उनसे साझा किया और साथ ही साथ हम किस तरीके से उठ खड़े हों उसके परिप्रेक्ष्य में बातें कही हैं और मैं समझता हूँ कि इस गहन मंथन और चिंतन के बाद एक नया रास्ता प्रशस्त होगा, उस रास्ते पर हम चलेंगे। वैसे अभी पीसी की उन्होंने और उन्होंने पीसी में कहा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर ध्रुवीकरण जो किया गया वो भी जो है एक वजह रही, क्योंकि आपके क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा इसका असर देखने को मिला, जो ये पूरा का पूरा जो देहरादून की जो पूरा साइड रहा देहरादून का। नहीं देखिए, स्वाभाविक बात है, एक बात उठी जिसका भाजपा ने तिल का ताड़ बना दिया, कोई ऐसी बात नहीं थी। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में इसका कोई जिक्र नहीं था, एक व्यक्ति ने कह दिया। अब भाजपा को तो इसमें महारत हासिल है, उन्होंने जो है उसको जो है देश के प्रधानमंत्री तक ने जो है अपने मंचों से उसको साझा करने का काम किया है, तो स्वाभाविक बात है जो ध्रुवीकरण करने का काम भाजपा चुनाव में करती है वही खेल उन्होंने खेला, उसका भी नुकसान हुआ। अब देखिए, अब हम हारे हैं उसीलिए तो चिंतन और मनन हुआ, इसीलिए जो हमारे प्रभारी जी हैं पांडे जी हैं उन्होंने प्रेस में इस बात का भी उल्लेख किया है। भाई साहब, कब तक अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का चयन क्या लग रहा है, कब तक होगा?
देखिए ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। जहाँ तक नेता प्रतिपक्ष की बात आपने कही तो कांग्रेस विधानमंडल दल और राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किसको जिम्मेदारी सौंपनी है। जिसे भी नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा हम सब लोग उनके साथ ताबद्ध होने का काम करें। प्रदेश अध्यक्ष भी जो मैं समझता हूँ शीघ्र जो है राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। मुख्यमंत्री एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी जी को बना दिया गया है, क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए पुष्कर सिंह धामी जी फिर से एक बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और उनसे ये भी अपेक्षा करता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड के लोगों से जो वादे किए हैं उन वादों के अनुरूप सरकार कार्य करे और अगर सरकार उन्हें कोताही बरतेगी तो सजग विपक्ष होने की वजह से हम सदन से लेकर सड़क तक उसके लिए संघर्ष करने का काम। प्रीतम सिंह जी जिन्होंने कहा कि हम बधाई देते हैं मुख्यमंत्री को, वो सही मुद्दे अब उठाएंगे और अगर वो नहीं उठाते तो हम सड़क से लेकर सदन तक उन मुद्दों को भी हम उठाएंगे। मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में योगेश सेमवाल, नेटवर्क 10 देहरादून। और देश के 5 राज्यों में चुनाव पूरे होने के बाद एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। देहरादून में पेट्रोल के दाम है वो 94.92 रुपये, जबकि डीजल की कीमत की अगर बात की जाए तो 88 रुपये के करीब पहुंच गई है। पेट्रोल और डीजल के दामों में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इस महंगाई से आम जनता की जेब हल्की होना तय है। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है जिसके चलते आम लोगों की जेबों पर इसका जो है खास असर जो है वो देखने को मिल रहा है। तमाम देश भर में जो है पेट्रोल डीजलों के जो दाम है उस पर बढ़ोतरी हो रही है जिससे आम लोगों की जेबों पर इसका असर जो है खासा जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर अभी की अगर बात की जाए तो पेट्रोल जो है वो 94.92 पैसे जो है वो बढ़ा हुआ है। साथ ही वहीं अगर जो डीजल की बात की जाए तो 88 के करीब जो है वो डीजल चला जा चुका है, यानी कि 80 पैसे जो है डीजल और पेट्रोल में जो है वो बढ़ोतरी हुई है। जिस प्रकार से लगातार देखा जा रहा है कि डीजल और पेट्रोल में जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही है, इससे आम लोगों की जेबों पर इसका खासा असर, क्या लगता है सर कि आम लोगों की जेबों पर खासा असर देखने को मिल रहा है? पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ रहे हैं, क्या लगता है? कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, देश उन्नति करना चाहिए, उसमें जो सहयोग होता है हमें भी करना चाहिए। अगर कोई जिद में सरकार कोई गलत काम कर रही है तो हम उसके विरोध में है। अगर इंटरनेशनल है बढ़ रहा है तो उसमें क्या बात है? क्या लगता है कारण, क्या लगता है आपको? ऐसा सुनने में आ रहा है कि इंटरनेशनल कॉस्ट बढ़ती जा रही है जिसके कारण से ये बढ़ रहा है। आज भाई साहब क्या लगता है पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इसको कैसे मानते हैं? इसको क्या मानते हैं, कुछ कर तो सकते नहीं सरकार का, हम क्या कर लेंगे, जो चाहेगी वो कर सकती है। कोई ऐसा तो है नहीं, पहले होता था भाई लड़ने बिड़ने, अब कोई नहीं। क्या लगता है कितनी जेबों पर कितना असर पड़ रहा है इसका? अब क्या कुछ कर तो सकते हैं ना, जो करेंगे हम, खाना महंगा है, तेल महंगा, सब कुछ है, सरसों तेल 200-250 पहुँच रहे हैं, अब क्या करेंगे। गैस के दाम भी बढ़ रहे हैं, सब गैस का बढ़ गया 50 रुपये। तो देख सकते हैं कि जो पेट्रोल और डीजलों के जो दाम लगातार जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं इससे आम लोगों की जेबों पर इसका खासा असर जो है वो देखने को मिल रहा है। आम लोगों का भी कहना है कि जिस प्रकार से सरकार जो है पेट्रोल डीजलों के जो दाम बढ़ा रहे हैं, हालांकि आम जनता जो इस पर कुछ खासा जो है कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन ये जरूर है कि सरकार को जरूर सोचना होगा कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम जिससे बढ़ रहे हैं, इस तरीके से जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, इसको जो है कम किया जाए ताकि आम लोगों की जेबों पर इसका कम असर पड़े। अपने सहयोगी संदीप नेगी के साथ भूपेंद्र सिंह राणा, नेटवर्क 10 देहरादून। और जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को एक और झटका लगा है, क्योंकि पूर्व एमएलसी विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देते वक्त कांग्रेस पर आरोप भी लगाए हैं विक्रमादित्य ने, लोगों की भावनाओं को नहीं समझती है पार्टी, ये उन्होंने कहा है। महाराजा हरि सिंह के पोते हैं विक्रमादित्य, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को एक और झटका देते हुए आज वरिष्ठ नेता विक्रमादित्य सिंह ने पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा है कि उनके लिए कांग्रेस के साथ बने रहना संभव नहीं हो पा रहा था और इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस नेता और पूर्व एमएलसी विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंप दिया है। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की भावनाओं और आकांक्षाओं को महसूस करने और उन्हें समझने में विफल रही है।